पूर्वोत्तर में मिली शानदार जीत के बाद गुरुवार देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। साल के पहले चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर बीजेपी ने 2024 के लिए बड़ा कदम बढ़ाया है। देर शाम पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। ये नई सोच का प्रतिबिंब है। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कब्र वाले बयान पर कांग्रेस को करारा जवाब दिया। तो पूर्वोत्तर में बीजेपी ने दो राज्यों में कमल खिलाया। त्रिपुरा और नागालैंड के नतीजे बीजेपी के पक्ष में हैं, जबकि माना जा रहा है कि मेघालय में भी पिछली सहयोगी पार्टी एनपीपी के साथ मिलकर बीजेपी दोबारा सत्ता में लौट सकती है। पूर्वोत्तर के तीन राज्यों के चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई है। पूर्वोत्तर के तीन राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव नतीजों की तस्वीर साफ हो चुकी है। त्रिपुरा और नागालैंड में आंकड़े बीजेपी के पक्ष में हैं, जबकि माना जा रहा है कि मेघालय में भी पिछली सहयोगी पार्टी एनपीपी के साथ मिलकर बीजेपी दोबारा सत्ता में लौट सकती है। नागालैंड के चुनावों में बीजेपी के ऐतिहासिक जीत के साथ ही एक और ऐतिहासिक घटना हुई। गुरुवार को आए नतीजों में पहली बार एक महिला ने विधानसभा का चुनाव जीता। नागालैंड के लिए यह चुनाव कई मायनों में खास रहा, तो वहीं नागालैंड को अपनी पहली महिला विधायक भी मिली। एनडीपीपी की हिकानी छकालू ने दीमापुर से चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। जी न्यूज से खास बातचीत में हिकानी झकालू ने बताया कि उनकी जीत क्या मायने रखती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज नॉट जस्ट फॉर वन सीट, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज फॉर आवर वुमेन, आवर नागा वुमेन, एंड आई एम सो ग्रेटफुल बिकॉज पीपल बिलीव्ड इन दिस फाइट, माई कॉन्स्टिट्यूएंसी बिलीव्ड। और बिलासपुर में एक मुर्गे की हत्या के प्रयास का अनोखा मामला सामने आया है। एक महिला अपने घायल मुर्गे को लेकर थाने पहुंची और पड़ोसी पर मामला दर्ज करवा दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बेहद अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने मुर्गे की हत्या की कोशिश की शिकायत सीधे थाने पहुंचकर की। घायल मुर्गे को लेकर फरियादी महिला थाने पहुंची। आरोप लगाया कि पड़ोसी ने इसे चोरी कर लिया था और उसे काट कर मारने की तैयारी कर रहा था। इस शिकायत को सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। पड़ोसी पर केस दर्ज करने की मांग की गई है। दरअसल शिकायतकर्ता का कहना है कि वो देसी मुर्गी को पालते हैं और पड़ोसी उसे खाने के लिए आए दिन हमला करता रहता है। मुरादाबाद में होली को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस लाइन के ग्राउंड में एसपी ने दंगा नियंत्रण ड्रिल का अभ्यास कराया। रिपोर्ट देखिए। होली त्योहार के मद्देनजर मुरादाबाद पुलिस ने कमर कस ली है। इसी के तहत मुरादाबाद एसपी सिटी के नेतृत्व में मुरादाबाद पुलिस लाइन ग्राउंड में दंगा नियंत्रण मॉक ड्रिल की गई, जिसमें मुरादाबाद जिला के सभी थाना प्रभारियों सहित जिओ स्तर के अधिकारी शामिल हुए। साथ ही पुलिस कर्मियों को दंगे की स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग भी दी गई। ड्रिल के दौरान पुलिस ने लोगों से अपील की कि त्योहारों को त्योहारों की तरह मनाएं, उसको जंग न बनाएं और अपने परिवार के साथ शांति से होली का पावन त्योहार मनाएं। और रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार भारत में रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बात हुई, लेकिन दोनों के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव में दिल्ली में कुछ समय के लिए मुलाकात हुई। G20 सम्मेलन के मौके पर दोनों में करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान ब्लिंकन ने लावरोव को बताया कि अमेरिका युद्ध में यूक्रेन को समर्थन करना जारी रखेगा। ब्लिंकन ने कहा कि रूस को न्यू स्टार्ट परमाणु संधि स्थगित करने का फैसला वापस लेना चाहिए। वहीं रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को हथियार देकर युद्ध को भड़काने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान सीमा क्षेत्रों में शांति बहाली को लेकर चर्चा हुई।
चीन से सीमा पर चल रहे तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री किन गांग के साथ बैठक की। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच 45 मिनट तक चर्चा हुई। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति के लिए मौजूद चुनौतियों पर ध्यान देने पर जोर दिया गया। The thrust of the meeting was really on our bilateral relationship and the challenges in the bilateral relationship, especially that of peace and tranquility in the border areas. यूपी में माफिया के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है। अतीक अहमद के करीबी सफदर के घर को जमींदोज कर दिया गया। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद इस मामले में जुड़े सभी आरोपियों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। माफिया और बदमाशों पर सीएम योगी का बुलडोजर लगातार चल रहा है। प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद के करीबी सफदर अली के मकान को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। आरोप है कि ये घर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाया गया था। इस बीच अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को जमानत पर छोड़ने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी खुद में भी माफिया डॉन है। हांगकांग की एक निर्माणाधीन इमारत में भीषण आग लग गई, जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। 30 सेकंड में पूरी खबर देखिए। ये तस्वीरें हांगकांग की हैं, जहां एक निर्माणाधीन इमारत में भीषण आग लगने से एक बड़ा हादसा हो गया। आग की लपटें और धुएं के गुब्बार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी भयानक होगी। बढ़ते तापमान और तेज हवाओं की वजह से आग और भयानक रूप लेती जा रही है और देखते ही देखते पूरी इमारत आग का गोला बन गई। आग के विकराल रूप को देखते हुए प्रशासन ने आसपास की इमारतों को खाली करा दिया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें जुट गईं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और ग्रीस में सरकार के खिलाफ रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल की है। रेलवे कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए। ग्रीस में हुए रेल हादसे के विरोध में रेलवे के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। रेलवे कर्मचारियों ने 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है, जिसकी वजह से ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि वो पिछले कई सालों से सरकार से मांग कर रहे हैं कि कर्मचारियों को बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक सुरक्षा तकनीक की ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन सरकार उनकी मांग को नहीं मान रही, जिसके विरोध में ये हड़ताल हो रही है। टेक्सास से जर्मनी जा रही लुफ्तांसा एयरलाइंस की एक फ्लाइट हादसे का शिकार होते होते बच गई। 30 सेकंड में खबर देखिए। अमेरिका की एयरलाइंस लुफ्तांसा की एक फ्लाइट हादसे का शिकार होने से बच गई। दरअसल लुफ्तांसा की एक फ्लाइट में जबरदस्त टर्बुलेंस पैदा हुआ, जिसकी वजह से 7 यात्रियों को चोट आई। इसके बाद फ्लाइट को वाशिंगटन डेलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट कर दिया गया। फ्लाइट में सवार 7 लोगों को स्थानीय हॉस्पिटल में ले जाया गया। ये फ्लाइट टेक्सास से जर्मनी जा रही थी। लुफ्तांसा ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि उड़ान भरने के लगभग 90 मिनट बाद कम समय के लिए ही, लेकिन गंभीर टर्बुलेंस पैदा हुआ और एहतियात के तौर पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। और विदाई के बाद परीक्षा देने के लिए दुल्हन परीक्षा सेंटर पहुंची। सोशल मीडिया पर दुल्हन की चर्चा हो रही है। 30 सेकंड में देखिए ये पूरी खबर। बोकारो में शादी के साथ फेरे लेने के बाद मंडप से एक दुल्हन परीक्षा देने के लिए परीक्षा सेंटर पहुंच गई। दरअसल दुल्हन शिवानी, जो की स्नातक छात्रा है, उसकी परीक्षा विदाई के दिन ही थी। सुबह शादी संपन्न होते ही सभी बाराती लौट गए और दूल्हा फेरा पूरा होने के बाद दुल्हन को शादी की गाड़ी में लेकर परीक्षा दिलाने परीक्षा केंद्र पहुंच गया और केंद्र के बाहर परीक्षा खत्म होने का इंतजार करते रहा। दुल्हन भी शादी की थकान का परवाह न करते हुए आराम से परीक्षा दिया और परीक्षा देने के बाद वो अपने पति के साथ ससुराल गई। बिहार में शराब तस्करी रोकने के लिए बिहार पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। मीरगंज में पुलिस ने 100 लीटर देसी शराब नष्ट की। होली का त्योहार नजदीक आ चुका है और बिहार में होली के त्योहार से पहले शराब की तस्करी भी तेजी से बढ़ गई है। बिहार में शराब की तस्करी को रोकने के लिए बिहार पुलिस ने जांच अभियान तेज कर दिया है। गुरुवार को बिहार पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने मीरगंज में ड्रोन कैमरे की मदद से शराब पकड़ने का अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को जमीन के अंदर छुपाकर रखा गया 100 लीटर देसी शराब का जावा मिला, जिसे पुलिस ने नष्ट कर दिया और देसी शराब बनाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है।
और सर्बिया में घोटाले की जांच करने वाले अधिकारी को सरकार ने हटा दिया है, जिसको लेकर स्थानीय लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में बड़े बड़े प्लेकार्ड और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते लोग, ये तस्वीरें हैं सर्बिया के नोवी सैड शहर की। हजारों की संख्या में लोगों ने दो जांच अधिकारियों को हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। ये दोनों अधिकारी इलेक्ट्रो पावर यूटिलिटी कंपनी में हुए एक बड़े घोटाले की जांच कर रहे थे। इस घोटाले में जांच अधिकारियों ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया था, लेकिन सरकार ने बिना किसी कारण के दोनों अधिकारियों को दूसरे विभाग में नियुक्त कर दिया, जिसके विरोध में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में आग लगने की वजह से भीषण हादसा हो गया, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में अचानक झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई, जिसकी वजह से एक भीषण हादसा हो गया। ये आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की वजह से यहां पर लाखों का नुकसान हो गया है। आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि दमकल को आग बुझाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी।